अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है, और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। MM Academy ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं, और ये कोर्सेस हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप MM Academy ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो PDF है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और MM Academy ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त बात बोली गई है कि यू आर ओनली कन्फाइंड बाय द वॉल्स यू बिल्ड योरसेल्फ। आप उन्हीं वॉल से घिरे हुए हो, आप उन्हीं जंजीरों से बंधे हुए हो जो आपने खुद ने बनाई हुई है। अगर आप उन जंजीरों को तोड़ दो, अगर आप उन दीवारों को तोड़ दो, तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू आर अनस्टॉपेबल। और इसीलिए हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी भी मुसीबत में हो, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो उसका सोल्यूशन आपके पास ही मौजूद है। और हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि लाइफ में हर चीज़ की जा सकती है, हर चीज़ मुमकिन है। और इसीलिए आप नो मैटर कितने वर्स्ट सिचुएशन में हो, नो मैटर कितने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो, लेकिन उससे निकलने की ताकत भी आपके पास होती है। जिस इंसान ने ये सोचकर करने की कोशिश की है कि इसमें से मैं निकलूंगा या निकलूंगी, वो निकल जाता है। जो इंसान ये सोचता है कि नहीं, अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो फिर वहाँ वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमेशा सुबह उठकर खुद से ये मत बोलिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। हमेशा खुद को ये बोलिए कि अब मेरे साथ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि और बेहतर मैं बन सकूँ। हमेशा ये सवाल जब आप पूछोगे तो देखने का नज़रिया जो है वो आपका बदल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 19 जून का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल से इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तर STI PSO आणि ASO साठी नवीन बैच सुरू होणार आहे अनअकॅडमी वर विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बैच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, CSAT असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार। आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एग्जाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजयपथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल, आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढेसुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल, तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता। आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MMBIN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजयपथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॅप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहां पर जो मॅप आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ये जो रिवर है ये कौन सी कंट्री से फ्लो हो रही है ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो रिवर फ्लो हो रही है ये किस कंट्री में से जा रही है, बस उस कंट्री का नाम, उस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जिस पर नज़र डालने वाले हैं,
जैसे कि ये वाला आप देख सकते हो, ट्रू नेट टेस्ट बेसिकली क्या है, किस तरीके से काम करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डेक्सामेथासोन, इसके बारे में बात किया जा रहा है, पहले भी हमने इसके बारे में देखा है, तो शॉर्ट में इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम ये देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो इसमें ये वाला जो आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम ये वाला आर्टिकल देखते हैं तो देखिए वही LAC LOC उसके बारे में बात की जा रही है, और जो बाकी की एडिशनल चीज़ें होती है वो हम कौन बनेगा आई सीरीज़ में कवर कर ही रहे हैं। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो, ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल पर भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ आइडियाज़ पेज अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है इस पर हम नज़र डालेंगे, टाइम फॉर एम्पैथी। देखिए हमारे GS पेपर 4 जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रोड फ्रॉम गालवान, तो यहाँ पर वो वाला जो आर्टिकल है इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जब हम आर्टिकल देखते हैं हीज़ वॉइस हीज़ कॉन्शियस, तो ये जो है कंसाइंस, तो ये जो है ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं तो अच्छी तरीके से देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर आता है हाउ ट्रू नेट टेस्ट वर्क, जो ट्रू नेट टेस्ट है किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, SARS-CoV-2 वायरस जो है ये जो COVID-19 कॉज करता है, मतलब ये तो सबको रट्टा हो गया होगा कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस है इसके वजह से कौन सा डिसीज़ होता है, तो COVID-19 डिसीज़ होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका DNA नहीं है। देखिए मैंने जब आपको टेस्ट किस तरीके से की जाती है, नॉर्मल जो हमारा स्वैब टेस्ट है जो नाक में डालते हैं मुंह में डालते हैं, तो वो किस तरीके से किया जाता है ये मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कि उसमें DNA जो है वो देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर RNA मॉलिक्यूल जो है वो हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है, है ना। मैंने आपको बताया था स्वैप टेस्ट जो लिया जाता है उसमें बेसिकली क्या है, RNA होता है, RNA को क्या करते हैं DNA जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस DNA को एम्प्लीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, फिर जाकर हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखने को मिलता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो ICMR है उन्होंने इस टेस्ट का अप्रूवल दिया है, मैन्युफैक्चर किया गया है गोवा बेस्ड कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पर एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है COVID-19 डिसीज़ के लिए। इट वॉज गोवा जो फर्स्ट इसने परचेस किया था न्यू मॉडिफाइड मशीन COVID-19 स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है ये वो स्टेट था जिसने मोस्ट एक्सटेंसिवली इसका इस्तेमाल किया था। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए गोवा जो है उसने पहला किया था और मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, जी नहीं, ठीक है, तो प्रीलिम्स में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रू नेट काम किस तरीके से करता है, अब ट्रू नेट का काम अगर आप देखो तो इसके लिए यहाँ पर ट्रेडिशनल PCR टेस्ट जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। PCR ये एक मेथड है जो कि स्पेसिफिक जीन जो होता है फ्रॉम द DNA इज अ स्वैप सैंपल वो कैप्चर करता है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। देखिए स्वैप टेस्ट होता है ना, स्वैप टेस्ट में क्या होता है कि स्वैप जो है वो लिया जाता है, और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहा जाता है, उसमें क्या होता है हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल में उस वायरस के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया इसलिए फिर से यहाँ पर नहीं बताऊँगा। एंटीबॉडीज़ जैसे कि सोल्जर्स होते हैं तो वो हमारे शरीर में आए हैं या नहीं, डेवलप हुए या नहीं, अगर वो डेवलप हुए मतलब हमारे शरीर में कोरोना वायरस जो है वो एंटर कर चुका है। अब यहाँ पर जो स्वैप टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर जो स्वैब है वो लिया जाता है, फिर यहाँ पर RNA जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है DNA में, फिर उसे एम्प्लीफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद रिजल्ट जो है वो देखा जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखो ट्रू नेट जो है ये चीप बेस्ड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू नेट क्या है, बेसिकली ये एक चीप बेस्ड है बैटरी ऑपरेटेड RT-PCR किट है, मतलब सेम इसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो चीप है वो देखने को मिलती है, बैटरी ऑपरेटेड देखने को मिलता है। इनिशियली ये सिर्फ ई जीन जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता था SARS-CoV-2 वायरस में। दिस इज द जीन जो कि यहाँ पर वायरस जो है उसे स्पेरिकल एनवलप में बिल्ड करने के लिए, अराउंड जो बिल्ड होता है उसमें हेल्प करता है। अब एट दिस पॉइंट ट्रू नेट मशीन जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सैंपल्स दैट वर डिटेक्टेड विद द ई जीन अब वो यहाँ पर कन्फर्मेटरी के लिए भेजे जाएंगे। देखिए जो भी होता है हमने ये देखा था, ये वाली जो टेस्ट थी ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडीज़ देखे गए हैं, एंटीबॉडीज़ देखने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आता है तो फिर ये टेस्ट के लिए जा रहा था। तो उसी तरह इन दी एंड अगर पॉजिटिव आता है कन्फर्मेट करने के लिए यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो की ही जाती है। बट द न्यू मशीन
नाउ इक्यूब विद डिटेक्ट दी RDRP एंजाइम। अब यहाँ पर क्या है, जो नई मशीन है वो अब यहाँ पर क्या है कि आपको बताएगी एक्चुअल में कि अब आपको फाइनल टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भैया कोरोना वायरस है या नहीं है। बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है कि मशीन जो है वो पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती है। टेस्ट जो है विद इट कॉस्ट मच लेस देन ट्रेडिशनल RT-PCR टेस्ट। ट्रेडिशनल RT-PCR देखा जाए तो 4,500 के आसपास बोला जाता है कि 4,500 के आसपास रुपए जो है आपके लगते हैं। अब इसमें एक तो ये पोर्टेबल भी मशीन है, कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी कम लगती है, उसी के साथ साथ इसीलिए इसे काफ़ी यूज़फुल जो है वो माना जाता है इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर गरीब जो लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर टेस्ट कराने के लिए वो जा नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है जो मतलब उनको परमिशन नहीं मिल पा रही है, जो सिटीज़ है बड़े सिटीज़ है उसमें आने का और टेस्ट कराने का, वहाँ के लिए जो मशीनें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इनफैक्ट ये जो मशीन्स है ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन विलेजेस ऑफ नदन कोस्ट बेल्ट जो आंध्र प्रदेश का वहाँ पर, उसी के साथ साथ जो रीजन्स है गढ़चिरौली जो डिस्ट्रिक्ट है। अब टेस्ट जो है वो कैसा कंडक्ट किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई टेस्ट कैसे होगा। एक बार अगर स्वैब जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वहाँ पर क्या होता है, वो लेबोरेटरी में इसे अनादर लिक्विड में यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है अ वायरल लाइसिस बगर। और उसके बाद क्या होता है, जो सेल है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो इम्प्यूरिटीज़ है वो यहाँ पर रिमूव हो जाती है। अब पार्ट ऑफ दिस लिक्विड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है कार्ट्रिज में, ठीक है, जो कि एक फ्लैटन टेप कैसेट जैसा दिखता है, जो कैसेट होती है ना उसके जैसा दिखता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, ये एक एक्टिविटीज़ जो है वो प्ले की जाती है 20 मिनट्स में। यहाँ पर RNA जो उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी के साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन है जीनोम इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर निकाले जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो RNA एक्सट्रैक्ट किया गया है उसे दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर लिक्विड रिलीज होता है मिनिएचर में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है नॉट बिगर दैन ह्यूमन थम, मतलब आप समझ सकते हो कि एक जो यहाँ पर चिप देखने को मिल रही है हमारा जो थम है हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ी नहीं है, तो इतना छोटा इतना पोर्टेबल ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट जो है वो कंडक्ट की जाती है। अब ये जो मशीन है डिज़ाइन की गई है गोवा बेस्ड मोलवियो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से पोर्टेबल तरीके से ले जा सकती है ना। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है डेक्सामेथासोन। अब ये जो है इसका यूज़ क्या है, एक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप एक बार ये देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लो कॉस्ट वाइडली यूज स्टीरॉयड यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, डेक्सामेथासोन। अब ये जो है ये बेसिकली प्लेयर जो है वो लेते हैं, है ना, जब थक जाते हैं तो उनके इन्फ्लेमेटरी वो सब चीज़ें को रोकने के लिए जो प्लेयर्स है जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो यहाँ पर मोस्टली लेते हैं। अब ये यहाँ पर डिस्कशन में आ गया है क्योंकि ये रिकवर कर सकता है ऐसा बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर डेथ रेट जो है COVID-19 पेशेंट्स के उसे रिड्यूस करने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कॉमनली जो कंडीशन होती है बॉडी इम्यून सिस्टम है ना वो अगर प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि बेसिकली क्या है कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग रहना चाहिए, है ना, उनकी बॉडी जो है वो फटीग नहीं होना चाहिए, उनकी बॉडी जो है वो थकान नहीं महसूस होना चाहिए, तो उसके लिए जो ड्रग है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डेक्सामेथासोन है ये बेसिकली क्या करता है, जो केमिकल्स है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं उनका प्रोडक्शन ही रिड्यूस कर देता है। मतलब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बर्ड ऑबे से इन्फ्लेमेशन होगा क्या, नहीं होगा। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शनिंग जो है वो ज़्यादा वास्ट हो जाती है, ज़्यादा प्रॉपर हो जाती है। अब किस तरीके से यूज़फुल है ये COVID-19 ट्रीटमेंट के लिए, अब देखिए यहाँ पर COVID-19 की अब तक कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है कि भैया हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो आ चुकी है, अब COVID-19 से किसी को भी डरने का ख़तरा नहीं है, इस तरीके से कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। पेशेंट जो है वो एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं अलग अलग ड्रग से और फिर उसके बाद यहाँ पर ये अप्रूव किया जाएगा कि हाँ भैया ये जो चीज़ है यहाँ पर चल रही है और ये जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरिंग SARS आउटब्रेक जो 2003 में हुआ था तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो है वो इस्तेमाल की गई थी इन्फ्लेमेटरी जो लंग इंजुरी है उसे रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखें उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है इवेल्यूशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन क्लिनिकल ट्रायल, जो उसकी सेफ्टी क्या है, इफिकेसी क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाए। उसी के साथ साथ जो ऑक्सफोर्ड रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी अनाउंस किया रिजल्ट ऑफ डेक्सामेथासोन ट्रायल जहाँ पर 2100 एनरोल पेशेंट थे वो एडमिनिस्टर किए गए 6 mg ऑफ ड्रग के साथ 10 दिनों के लिए। ड्रग जो है उसने यहाँ पर डेथ रिड्यूस करना ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है बाय 1/3 ऑफ इन वेंटिलेटेड पेशेंट्स,
मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जितने वेंटिलेटेड पेशेंट्स थे 1/3 जो है यहाँ पर वो रिकवर हुए हैं, मतलब डेथ रेट जो है वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देखिए WHO जो उसने कहा है कि गिवन द लैक ऑफ इफेक्टिवनेस एंड पॉसिबल हार्म, रूटीन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शुड बी अवॉइडेड अनलेस दे आर इंडिकेटेड फॉर अनदर रीजन। यहाँ पर WHO ने कहा है कि भैया ठीक है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसका यहाँ पर आपने रोकना चाहिए, ठीक है, जब तक यहाँ पर दूसरे कारण के लिए, अगर दूसरा कारण कुछ है जिसके लिए आप वो दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोविड के लिए यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं किस तरीके से थेरापी चलती है, क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो कोविड-19 का रिलीज़ किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, वो अलाउ कर रहा है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ईजियर सेड, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक रिटेलिएशन अगेंस्ट चाइना, इसका लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ एंड लेवरेजिंग द मार्केट इन की, किस तरीके से लिमिटेड होगा ये यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उन्होंने रिपोर्टेडली कन्वे किया है स्टेट ओन्ड BSNL की नॉट यूज़ चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स इन नेटवर्क अपग्रेडेशन प्लान। यहाँ पर आप जो चाइना के प्रोडक्ट्स है उसका इस्तेमाल मत करो जो भी आप अपग्रेडेशन प्लान लोगे उसमें। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इज़ एक्टिवली कंसिडरिंग आस्किंग प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि डिपेंडेंसी जो है चाइनीज मेड इक्विपमेंट्स पर वो कम की जा सके, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा जो चाइना का मोबाइल है वो ठीक है, लेकिन जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो भी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंडिया में कोई मोबाइल बन रहा है तो उसमें चाइनीज पार्ट जो है उसका भी तो इस्तेमाल हो रहा है। अनदर चाइनीज इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लूज करने वाली है विद इंडियन रेलवेज, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जो चाइनीज कंपनी है जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर कैंसिल किए जा रहे हैं। हार्श रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक रिटेलिएशन जो है वो यहाँ पर ओन सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज उसके हमें देखने को मिलते हैं। एज इंडिया अकाउंट्स फॉर अ मिनिक्यूल शेयर ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट मार्केट, हमारे पास क्या है, हम जो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं वो काफ़ी कम है, और चाइना जो हमें एक्सपोर्ट करता है भले ही वो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा हो, जो पैसा है उसमें काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन ओवरऑल जो चाइना एक्सपोर्ट करता है उसका सिर्फ 2-3% जो है वो इंडिया को आता है ना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे इम्प्लीकेशन जो है इंडिया के लिए ऐसे एक्शन का वो मल्टीपल लेवल्स पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडिया जो है वो डिपेंडेंट है चाइना पर वाइड एरे ऑफ गुड्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फर्टिलाइजर्स तक, मेड इन चाइना ऑफन यहाँ पर मेड इन इंडिया जो है उसे भी हेल्प करता है। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि मेड इन चाइना ये चीज़ मेड इन इंडिया को भी हेल्प करता है, मेड इन इंडिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई जो मोबाइल है वो बना रहे हैं, अब ये मोबाइल जो है वो मेड इन इंडिया रहने वाला है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए स्क्रीन लग रही है, ठीक है, आउटर स्क्रीन लग रही है, मोबाइल को स्क्रीन लगाना है, अब ये जो स्क्रीन है अगर हम दूसरे कंट्री से लेते हैं तो हमें वो पड़ रही है फॉर एग्जांपल 100 रुपये की, और अगर हम चाइना से ले रहे हैं तो वो हमें पड़ रही है 40 रुपये की। तो इससे क्या होगा, मोबाइल की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग हो रही है तो लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे अपने इसको लगाने के लिए, मेड इन इंडिया जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर ये महंगा होता है तो मेड इन इंडिया में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेड इन चाइना जो है ऑफन हेल्प्स मेक इन इंडिया टू। कोई भी अटेम्प्ट यहाँ पर हम इम्पोर्ट जो है अगर चाइना का रिड्यूस करते हैं तो वो थ्रू टैरिफ एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर, ये यहाँ पर इंडियन कंज्यूमर जो है उनके लिए प्राइजेस जो है वो राइज करेगा। बट ऑब्वियसली चाइना से मोबाइल जो है वो आ रहा है 10,000 रुपये का, अगर हम इसे रिड्यूस कर देते हैं तो हमें बाहर के जो मोबाइल है वो ख़रीदने पड़ेंगे या इंडिया के मोबाइल ख़रीदने पड़ेंगे। हो सकता है कि चाइना जो है इतना सस्ता बेचता है तो इसीलिए यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो हमें 15,000 रुपये में ख़रीदना पड़े, जिसके वजह से जो एक गरीब इंसान है उसके जेब पर भारी बोझ आ सकता है। एंड एज इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको बोला स्क्रीन है ना, यहाँ पर जो बन रहा है स्क्रीन बोल दीजिए, जो भी इंटरमीडिएट बीच के प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है, और ये जब अफेक्ट होगी तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें भी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि अगर ये 100 रुपये का ग्लास हम बिठाते हैं, क्योंकि 40 रुपये का हम बैन कर रहे हैं, 100 रुपये का बिठाते हैं तो ये जो मोबाइल की कीमत है हो जाएगी 10,000। 40 रुपये का अगर बिठाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर कीमत जो है वो अगर हो जाती है फॉर एग्जाम्पल 9,000, तो ऐसे सिनारियों में हम 9,000 का मोबाइल बेचेंगे 10,000 का बेचेंगे तो कौन सा ज़्यादा डिमांड में रहेगा, कौन सा ज़्यादा खरीदा जाएगा, बट ऑब्वियसली 9,000 वाला ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसमें एक्सपोर्ट में भी, बाहर कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। मोर एवर इन शॉर्ट रन यहाँ पर अनइंटरप्टेड अल्टरनेटिव सप्लाईज जो है
वो यहाँ पर फिजिबल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि जब तक यहाँ पर आप पूरा ये नहीं कर रहे हो तब तक आप एक कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो ढूंढ लो किस तरीके से किया जाए। अब यहाँ पर कंपनी जो है जैसे कि अलीबाबा हो गया, टेंसेंट हो गया, वो उन्होंने यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि जोमेटो है, पेटीएम है, बायजूस है, ओला कैब्स है और बाकी है, तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आप सोचिए कि जब इनमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो फिर किस तरीके से यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो चाइना है उनको बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं होगा, चाइना की जो ट्रेड है हम बिल्कुल उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर आप इसमें से कोई भी सर्विस जो है वो ले रहे हो तो मतलब है कि आप चाइना को कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप में पैसा जो है वो प्रोवाइड कर ही रहे हो। अब यहाँ पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज जो है वो हमें बिल्डअप करना पड़ेगा अक्रॉस द सेक्टर। आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया चाइना ट्रेड में कितना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे तो $53.6 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। टॉप एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक मिनरल फ्यूल कॉटन, और टॉप इंपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो रहना चाहिए कि लॉन्ग पेंडिंग लेजिस्लेशन, यहाँ पर स्ट्रक्चरल बॉटलनेक जो है उसे यहाँ पर एड्रेस किया जाना चाहिए। इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस है उसे बूस्टअप किया जाए और जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए। अब शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ बॉयकॉटिंग जो चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो यहाँ पर काफ़ी हेवी रहेंगे और काउंटर प्रोडक्टिव जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं। मतलब हमारे जो मार्केट है, मतलब चाइनीज़ मार्केट को अगर हम बैन करने जाए तो हमारा जो मार्केट है वो भी यहाँ पर हैम्पर हो सकता है, वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, और इसीलिए हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है पूरे वर्ल्ड में वो भी यहाँ पर ख़तरे में आ सकती है। तो ये पूरा सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, हायर इन अपर हाउस। अब यहाँ पर आप देखोगे 2020 राज्यसभा इलेक्शन, ये यहाँ पर इस सेट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। अब ये आप सभी को पता है जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा है एंड राज्यसभा है। लोकसभा अगर आप देखो तो वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, डायरेक्टली हम वोट करके लोगों को MP बनाते हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, कैसे होते हैं सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा में मयूर मोगरे आप डाल दोगे तो आपको डायरेक्टली जो वीडियो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू इलेक्ट न्यू मेंबर वैकेंसीज फिल करने के लिए राज्यसभा में। इलेक्शन जो है वो एनुअली हेल्ड किए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर ऑन द एडहॉक बेसिस। इलेक्शन जो है 2020 में टोटल 73 सीट्स के लिए हो रहे हैं, ऑफ विच 55 जो है वो 26 मार्च इलेक्ट किए जाएंगे, मतलब इलेक्ट किए गए हैं, ऑफ विच वर इलेक्टेड, रिमेनिंग जो है ये पोस्टपोन किए गए COVID-19 पेंडेमिक की वजह से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि रिमेनिंग 24 सीट जो है वो 19 जून जो है उसको हेल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर हम राज्यसभा की देखते हैं फिक्स की गई है 250, जिसमें से 238 जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के, 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए राज्यसभा जो है उसके 245 मेंबर्स हैं, इसमें से 229 जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 4 रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ को, 12 जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। फोर्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट जो होते हैं राज्यसभा में, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो दिए गए हैं। क्या क्वालिफिकेशन है कि वो सिटीज़न रहना चाहिए, नागरिक रहना चाहिए, उन्होंने ओथ एंड अफर्मेशन जो है यहाँ पर देना चाहिए, उसी के साथ साथ वो 30 साल से कम नहीं रहना चाहिए। लोकसभा देखा जाए तो उसके लिए 25 साल है और 30 साल जो है वो हमें राज्यसभा के लिए देखने को मिलता है, और लोकसभा अगर देखा जाए 25 ईयर से कम नहीं रहना चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इतने ही दिए हैं, लेकिन अगर हमारा पार्लियामेंट बोलता है कि उसके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रहना चाहिए तो फिर ये भी जो क्वालिफिकेशन है ये भी इसमें इंसर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं, टाइम फॉर एम्पैथी। अब यहाँ पर बेसिकली जो क्राइसिस आ रहे हैं तो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो अपियरेंस ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, इसने यहाँ पर पूरा अपसाइड डाउन कर दिया है ना, लेकिन उसी सेम टाइम में यहाँ पर क्रिटिकल मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि हमारा वे ऑफ लाइफ जो है उसे हम फिर से क्या री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, यहाँ पर किस तरीके की हमें चीज़ें जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। वाइल द विजिबल कॉज जो है पेंडेमिक का इन टर्म्स ऑफ लाइव्स, वो मतलब यहाँ पर आप डे टू डे देखोगे तो वो ख़त्म होती जा रही है ना, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो जो हंगर है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, जो गरीबी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको यहाँ पर एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
क्योंकि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। कंपल्शन क्या है? टू लीव वंस ओन लैंड विलेज एंड होम टू बेयरली मेक एंड्स मीट इज सैड। ये काफ़ी गलत चीज़ है, ये काफ़ी बुरी चीज़ है। यहाँ पर सडन लॉकडाउन जो है वो लगा दिया गया है जिसमें माइग्रेंट लेबरर जो है वो यहाँ पर कहाँ से काम करेंगे, काम ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा तो पे नहीं मिलेगा, पे नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेंडेमिक जो है वर्स्ट पॉसिबल टाइम में आया है। वर्स्ट पॉसिबल टाइम क्यों? हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी नीचे जा रही थी, मतलब 2016 से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ट्रबल जो है वो देखने को मिल रहा था, और ये जो पेंडेमिक है इसी दौरान आया जब हमारी इकोनॉमी जो है वो सीधी स्लो डाउन पर चल ही रही थी, है ना। स्लो डाउन पर क्यों चल रही थी इसके बारे में भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। जो भी आपको टॉपिक चाहिए ना, आगे आप मयूर मोगरे डाल दोगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे फैक्टर्स, वो पेंडेमिक के पहले का वीडियो है, तो उसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्यों हमारे कंट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो हमारी GDP जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। मार्च में 16 बिलियन फॉरेन कैपिटल जो है वो यहाँ पर कंट्री से बाहर जा चुका है। आफ्टर दी लॉकडाउन इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। सेम मंथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 60% से ड्रॉप हुआ है, बिगेस्ट ड्रॉप देखने को मिला है पूरी दुनिया के मुकाबले अगर देखा जाए। तो यहाँ पर हमें जो रिस्क है बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। अब जब ये रिस्क है तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो गरीब इंसान है, जो पुअर इंसान है, उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, दिस इज द टाइम टू रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन यू हैव सीन एंड आस्क योरसेल्फ इफ दिस स्टेप यू कंटेम्पलेट इज गोइंग टू एनी यूज टू हिम। यहाँ पर एक गरीब इंसान को देखना है और आपको खुद से पूछना है कि जो मैंने यहाँ पर स्टेप लिया है क्या क्या उस इंसान को हेल्प कर सकता है, क्या उस इंसान को कंटेम्पलेट कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है। अब देखिए ये जो कोट्स होते हैं ना, ये कोट्स आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करते हैं, जो ऐसे राइटिंग होती है ना उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंडिया जो है हम काफ़ी एम्बिशियस है कि यहाँ पर हमें इक्विटेबल सोसाइटी बनाना है, यहाँ पर हमें इनकम जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करना है। लेकिन इक्विटेबल सोसाइटी कैसे बनाएंगे जहाँ पीपल जो है, जहाँ लोग जो है उनको इनकम ही बंद कर दी गई है, उनका काम जो है वही बंद कर दिया गया है, कैसे यहाँ पर हम एक इक्वल सोसाइटी बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रोड फ्रॉम गालवान। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रोड फ्रॉम गालवान, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक सेपरेट वीडियो भी इस पर अवेलेबल है अगर आपने नहीं देखा हो तो। कल भी हमने इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, आज भी जो है हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फेस ऑफ जो यहाँ पर देखने को मिला है तो ये इट वॉज प्री प्लान्ड एंड विद दी कन्वीनेंस ऑफ चाइना सीनियर लीडरशिप। यहाँ पर सब कुछ तय था कि ऐसा होना है। यहाँ पर आयरन रॉड जो है उसका इस्तेमाल किया गया, वुडन स्टेप्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब क्या है कि सब कुछ पहले से तय करके आए थे कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमको करना है, आतंक जो है वो फैलाना है। अब यहाँ पर क्या है कि नेबरिंग कंट्री जो है वो इस तरीके से अगर प्लान कर रही है तो हमारा भी अप्रोच जो है शुड बी फर्म एंड अनएम्बिगुअस, इस तरीके का हमारा रहना चाहिए अप्रोच। क्लियर है? मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑनगोइंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है चाइना के साथ, वो यहाँ पर हमारे फ्यूचर रिलेशन कैसे रहेंगे चाइना के साथ वो तय करेगा कि आज हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। आज अगर हम बुरी तरीके से हैंडल करेंगे तो चाइना के साथ रिलेशन जो है वो फिर बहुत ही वर्स्ट हो जाएंगे। आज अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हो सकता है चाइना के साथ रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाए। अब यहाँ पर हमें भूलना नहीं है कि हमारा जो फर्म है, आर फर्म रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट आर नेशनल इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पर मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको मैच करके हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। रिसेंट इवेंट जो हमें देखने को मिले हैं हांगकांग, साउथ चाइना सी, इंडिया का जो नेबरहुड है वो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स आप देखोगे तो मतलब बहुत ही ये है, मतलब बहुत बुरी तरीके से चल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे 9-line के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो चाइना है वो साउथ चाइना सी में अपना क्लेम जो है वो तय करता है। क्यों साउथ चाइना सी चाहिए? क्योंकि इसमें मिनरल्स जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो एक्सट्रैक्ट वो ये सारे मिनरल्स को कर पाए। अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनको ये बिल्कुल गवारा नहीं है। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो उसके ऑलरेडी हांगकांग के साथ जो है वो इशू चल रहे हैं, हांगकांग के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो हांगकांग में भी इशू चल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इंडियाज प्रोएक्टिवनेस जो है यहाँ पर इक्विटेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर, ये चाइना के अगेंस्ट में जो है वो देखा जा रहा है, और इसीलिए इट बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर चाइना टू मेक टेरिटोरियल गेंस बिफोर इट्स टू लेट।
यहाँ पर चाइना को पता है कि भैया यहाँ पर इंडिया जो है वो अपनी लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है, ये एक बड़ा भाई जैसा जो रोल है वो अदा कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर सिनारियो जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉपर सिनारियो किस तरीके का क्रिएट करना पड़ेगा, हम यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपांशन जो है फटाफट ले लो, जिससे कि यहाँ पर लेट ना हो जाए। इंडिया चाइना LAC लद्दाख में जो है आउटकम है टेरिटरी इलीगली रिटेन्ड बाय चाइना 1962 के बाद जो इलीगली रिटेन की गई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे अक्साई चीन का जो एरिया है वो इलीगली लिया गया है, LAC इसीलिए कहीं भी डिफाइन नहीं की गई है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का जो यहाँ पर सक्सेस है कारगिल वॉर में, सेट अ प्लेस फॉर कंटिन्यूड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन दी कंट्री। इंडिया का जो आर्म फोर्स है वो बैटल हार्डन है ना, विथ एक्सपीरियंस लीडरशिप और एडिक्वेट रिसोर्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कंपैरिजन, PLA जो हैज़ बीन इन फ्लक्स ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन और रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है 2017 के बाद से। चाइना का लास्ट मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगेंस्ट वियतनाम हुआ था, ये हमने देखा था, वियतनाम के साथ जो वॉर हमें देखने को मिला था। उसी के साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे जो पोर्ट्स है वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो चाइना बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर जो अपना एक्सपांशन है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, मतलब ये कंट्री में जो है ये कंट्री को हड़पना है ना, ये कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर वो कर्ज़ों में डूब जाएंगे, फिर वो कंट्री जो है वो हमारी हो जाएगी, इस तरीके की चीज़ें जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर कर्ज़ों में नहीं डूबा सकते हैं वहाँ टेरिटोरियल एक्सपांशन कर दो, इस तरीके से चाइना की जो नीति है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। वीडियो का एंड, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।